जी हमारे पास ऑल न्यू थार, जिसको कि हमने पूरी तरह उधेड़ दिया है। उधेड़ा क्या है, फ्रंट ग्रिल, हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प, आगे का बम्पर वम्पर सब हटा दिया है, ठीक है। इस टाइम यहाँ से तो गाड़ी के अंदर तो भैया पहली बात तो काफ़ी सारा काम होना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी के हेडलैम्प से। हेडलैम्प्स वगैरह चेंज होनी है, फॉग लैम्प्स जो कंपनी के आते हैं उसमें बिल्कुल जान नहीं होती, ठीक है। तो फॉग लैम्प्स भी डल नहीं है, ठीक है। फ्रंट की मैश चेंज होगी मे बी, ठीक है। ABS गार्ड हो गया सारा, मतलब इसके अंदर ना सारा कुछ यहाँ पे चेंज होना ही होना है, ठीक है। सबसे पहले गाड़ी के अंदर PPF भी होनी है, और गाड़ी के अंदर जितना भी आपको यहाँ पे ये दिखता है ना, ये देख रहे हो फेंडर के ऊपर का पार्ट, ठीक है, ये हो गया, पीछे हो गया, जितना भी है ना सारा, ये सारा जो है ग्लॉस ब्लैक में किया जाएगा। इवन साइड ग्लास के साइड मिरर्स भी यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक होंगे, ये भी ग्लॉस ब्लैक होगा। यहाँ भैया हमारे कर रहे हैं पेट्रोल टैंक ओपनर, ये तो ये लग गया इसके अंदर पूरा प्रॉपर मशीन वगैरह। कई बार और करना करना भैया, ये रहे पावर, ठीक है। तो भैया इसको चेक कर रहे थे, ये हो गया है। इवन यहाँ का फेंडर भी गायब है, ग्लॉस ब्लैक होगा। गाड़ी के इंटीरियर पे स्विच करते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा काम होना है। इसका इंटीरियर मतलब ये लगा लो कि ऊपर की ट्रे हट चुकी है, ये जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं बेसिकली ये ना गर्म बहुत होता है, तो उसके लिए यहाँ पे हीट लोन लगा के ना इसका पूरा इंटीरियर कस्टमाइज करा सकते हैं। तो गाड़ी का कलर रेड है, तो और बाहर में भी काफ़ी सारा ग्लॉस ब्लैक हो रहा है पूरा, तो इंटीरियर को भी हम जो है रेड एंड ब्लैक में ही रखने वाले हैं। तो लेट्स सी, इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा रेडी किया जाएगा रेड एंड ब्लैक में। साथ गाड़ी के अंदर काफ़ी सारा काम यहाँ पे होना है, जिसका साथ में देख पा रहे हो सामने के सारे पार्ट निकाल लिए गए हैं, सबके सब जो है हाइड्रोडिप होने बाकी है। अब हम बात करते हैं रेयर पे, तो रेयर देख लो, ये जो बम्पर है ना ये भी निकल रहा है बाहर, क्योंकि जो है ये भी पूरा जो है ग्लॉस ब्लैक में होगा। तो मतलब इन द सेंस गाड़ी जो है पूरी की पूरी जितनी भी बाहर से मैट में आपको दिखती है ना, सारे आगे आगे चल के ग्लॉस ब्लैक में नजर आएगी, जितना भी पार्ट जो है मैट में नजर आ रहा है। हॉट टॉप भी कहते हैं, थोड़ा अच्छा लगता, बट ठीक है, मे बी लेट्स सी आगे चल के क्या पता देखने के लिए मिलेगा। भाई गाड़ी के अंदर जो है अभी होना बाकी है, बम्पर खुल गया, ठीक है, ये सारा चीज़ें जो होनी बाकी है। और मे बी इसके अंदर जो है इसके AC के ब्लोअर के पार्ट्स भी यहाँ पे इंस्टॉल किए जाए, डैम्पिंग भी हो, वीडियो बने रहेगी, इसके भी आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर की एक दो चीज़ आपको बतानी भूल गया, अलॉयज भी इसके जो है ग्लॉस ब्लैक किए जाएंगे, और बाकी तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, काफ़ी सारे पार्ट इसके अंदर से गायब है जो कि अभी होने बाकी है। नाउ इट्स अनदर डे, जिस दिन अपनी गाड़ी के अंदर जो है काफ़ी सारा काम यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें आप लोगों को बता था कि फ्रंट से पूरी गाड़ी की लुक चेंज होने वाली है, यहाँ पूरी गाड़ी की फ्रंट से जो है लुक बदल गई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी फ्रंट की पूरी मैश चेंज कर दी है। जो OEM आती है ना उसके अंदर प्रॉपर गैप दिखते हैं, यहाँ पे एक और थार खड़ी है, मैं इसमें दिखाता हूँ, ये देखो इस वाली के अंदर ये जो जाली है ना इसके अंदर से पूरा आर पार नज़र आता है, अंदर का रेडिएटर वगैरह पूरा नज़र आता है, बट जो इसके अंदर हमने ग्रिल लगाई है ना इसके अंदर से रेडिएटर वगैरह नज़र भी नहीं आता, और एयर भी ईजिली पास हो जाती है, पास दिखा देता हूँ, ऐसा नज़र आता है ये। और लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ग्रिल, ठीक है, पूरी प्रॉपर ग्लॉस ब्लैक में अच्छी लग रही है। इसके बाद हेडलैम्प देख लो, हेडलैम्प हमने इसके अंदर जो है पूरी आफ्टर मार्केट यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है विद DRLs, अभी आगे आपको ऑन करके भी मैं दिखाऊंगा। साथ में हमने ये भी इसका चेंज किया है, पूरा प्रॉपर मैट्रिक्स में आने वाला है, DRLs रहती है इसके अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ पता है गाड़ी में, इसका फ्रंट का बम्पर देख रहे हो पूरा ग्लॉस ब्लैक में कर दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा ना डिसेंट लुक दे रहा है गाड़ी को, मतलब एक डिफरेंट लुक दे रहा है। ये चीज़ ना बहुत रेयर होती है देखने के लिए मिलती है। अभी इससे भी काम करना होना बाकी है, हमने जितनी भी क्लाइडिंग थी जैसे फ्रंट का बम्पर हो गया, साइड का फेंडर हो गया, इन सबको जो है प्रॉपर ग्लॉस ब्लैक में ही किया है, ठीक है। मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ इतने कि साइड टू फाइल में अपना साइड मिरर देख लो, ये भी पूरा अपना ग्लॉस ब्लैक में है, हैंडल अपना ग्लॉस ब्लैक है, इसमें भी अभी काम होना बाकी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें गाड़ी के पीछे के फेंडर पर, ये भी पूरा अपना हमारा ग्लॉस ब्लैक है, ठीक है। और पीछे का पूरा बम्पर भी अपना तो हर एक चीज़ के अंदर जो है जितनी भी एक्सटीरियर पे थी ग्लॉस ब्लैक करी गई है। इसकी ये हार्ड टॉप रह गया ग्लॉस ब्लैक, मैंने भैया को बोला ये भी करी जाता, लेकिन चलो जिसकी कार है उसका डिमांड है। तो अब गाड़ी के इंटीरियर पे देख लो भैया, स्विच सीट्स कुछ ऐसी नज़र आती है गाड़ी के रेयर की, आमरेस दोनों तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कार के अंदर सबसे अच्छी चीज़ पता क्या हुई है, इसकी रूफ भी हमने हीट लोन लगा के प्रॉपर काम किया इसका, ये सेंटर पार्ट हो गया, ये इसके स्पीकर की प्लेसमेंट है, ये भी पूरी हाइड्रोडिप करके ब्लैक में करी गई है, रूफ भी प्रॉपर रेडी की गई है, हीट लोन लगा के रेडी करी है सॉफ्ट टच में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके सीट्स की, सीट्स देख लो भाइयों, यहाँ पे सीट्स चेकआउट कर लो आप इसकी, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया है, स्टीयरिंग भी प्रॉपर स्टिच हो चुका है यहाँ पे, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रंट में ग्लॉस ब्लैक एंड हाइड्रोटिक किया हुआ पार्ट्स जो कि रेड में है, काफ़ी अच्छा लग रहा
गाड़ी ना बाहर से तो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक और रेड है ही, इंटीरियर भी इनका इवन इसका ब्लैक और रेड में हो चुका है। ठीक है, लेट्स सी, काफ़ी सारा काम इसके अंदर हो चुका है, काफ़ी सारा काम इसके अंदर होना बाकी है। हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे जैसे इसके अंदर जो है काम होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुई अपनी थार पूरी तरह से कंप्लीट। मैम भैया कैसे हैं आप? सब बढ़िया आप? मैं भी ऑल गुड। अच्छा भैया, क्या है काम किया है, कितना काम किया, डिटेल में बता दो फटाफट। यार इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर सारा ही करा है। इंटीरियर एक्सटीरियर सारा, एक्सटीरियर में तो पीपीएफ करी है। ठीक है, अच्छा पूरी पूरी गाड़ी पीपीएफ रखी है तभी इतनी चमक भी रही है। अच्छा पीपीएफ सेल्फ हीलिंग। अच्छा सेल्फ हीलिंग है, स्क्रैच वगैरह छोटे मोटे माइनर जो आएंगे हट जाएंगे, पानी भी नहीं टिकेगा। ठीक है, अच्छा भैया स्टार्ट करते हैं फ्रंट की ग्रिल से। काफी ज्यादा ग्लॉस में भी है, इसमें भी कुछ हुआ है कि ग्लॉस ना? हमने इसको वो करा ना, चेंज करी, ग्रिल चेंज करी, ग्रिल चेंज कर दी, ग्रिल लगाई है। ठीक है, और हेडलैम्प्स लगाई है। हेडलैम्प्स की आफ्टर मार्केट? हाँ चल ऑन कर दो। हाँ ऑन कर दो एक बार। ये लो, ये इसकी डीआरएल्स है, कुछ ऐसी नजर आती है। और ये अंदर एक डुअल छोटे छोटे दो प्रोजेक्टर्स में थे। तो ये है इसकी हेडलैम्प्स, भैया ऑन करने गए हैं, मैं भी इसका थ्रो दिखा दे आपको। तो लेट्स, तो ये है इसकी हेडलैम्प्स जो कि इंडिकेटर भी आपको सी रिंग के अंदर मिलता सेम एस। साथ में जो है डीआर इंडिकेटर्स भी है। अच्छा भाई सारा कॉम्बिनेशन किया। अच्छा भाई सबसे ज्यादा बड़ी चीज़ में ये लग रही है जो इसमें जो इसके वो हैं आपके बंपर्स हैं और साइड फ्लैटिंग से सारी जितने भी लाख से सारे सब इसको हमने ग्लॉस ब्लैक में करे, सारा हमने ग्लॉस ब्लैक में कर दिया है। तो गाड़ी की लुक इससे अच्छी भी लग रही है यार। ये देखो भाई गाड़ी की लुक कैसे लग रही है। अच्छा ये अगर ब्लैक में करेंगे तो और अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से। मतलब ये चीज़ करने के बाद गाड़ी की लुक ही चेंज हो गई है पूरी। मैं अगर किसी को ये बोलूँगा कि अगर ऊपर का हार्ड टॉप भी करवा लो तो हो जाएगा वो भी? ठीक है, एक अगर कोई वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप इसे थार है तो जैसे ये है ये तो करवा ही लो, हार्ड टॉप भी करवा लो और इसके ऊपर वो कवर आता है इसका पीछे का वो करवाओ, क्या लगेगी गाड़ी। चलो ये तो होगी हमारे एक्सटीरियर ना भैया, इंटीरियर भी चलते हैं। चलो इंटीरियर में आने से पहले पेट्रोल पंप दिखाते हैं, देखो कर दो भैया। यस, ये भैया ने वहाँ से खोला है। यूजुअली आपने देखा होगा यहाँ से कीज लगा के जो है हम लोग खोलते हैं। बे करना दोबारा से, अपने आप खुल गया। ठीक है, सिर्फ यहाँ से अंदर से खोलना, यू दबाना है इस सही से लॉक। अब ये बटन है इसका पूरा प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बटन है यार, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बटन इसकी फिटमेंट कर रखी है। अच्छा भैया उसके बाद स्विच करेंगे अपने इंटीरियर पे, तो सीट्स में देख पा रहा हूँ सीट्स कस्टमाइज है, सारी कस्टमाइज सारी जबरदस्त है बे। फुल्ली बकेट, फुल बकेट यार, नो रिंकल्स एट ऑल, कहीं भी रिंकल्स आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको कभी भी रिंकल नहीं मिलेंगे यार, नहीं मिलते। अजय भैया आर्मरेस्ट आपने अलग से लगाया इसमें? आर्मरेस्ट लगाया है, उसको भी हमने रेड कराया ना, सम सिमेट्री दी है साथ में। ये देख रहा हूं पास से दिखाता हूं, सॉफ्ट टच पूरा, मतलब पीछे वाले आर्मरेस्ट में भी हमने जिसके ओपनिंग पार्ट से सारे रेड करे हैं। ये देखो पीछे की पार्ट, ये भी हमने पूरा जो है रेड किया हुआ है दोनों साइड, ये भी हमारे और पीछे की सीट आप यहाँ पे देख लो। सबसे जबरदस्त चीज इसकी रूफ है भैया, रूफ अपने पूरी रेडी कराई है। रूफ पहले करे पूरी यार, पहले हीट में हीट लॉन्च लगती है जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा थार में कंप्लेंट है, अगर हीट बहुत आती है, हीट बहुत आती है वो इसमें कंप्लेंट हमने खत्म कर दी प्रॉपर हीट लॉन्च और फोमिंग करके। ये लो हीट लॉन्च, उसके बाद हमने पैनलिंग करी है सारी, उसके बाद ही पैनलिंग, मतलब पूरे काम करने के बाद ही लुक वाला काम हुआ है इसके ऊपर। जी ठीक है, और सेंटर में पूरा रेड रेड और साथ में हाइड्रो डिपिंग, हाइड्रो डिपिंग स्पीकर के पार्ट्स पे, ग्रिल्स पे जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। अच्छा भैया ये सेम, ये वाली सेम चीज पीछे भी हुई है? हाँ जी सेम रूफ पे सेम काम हो रहा है यार। ठीक। अच्छा भैया उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ सेंटर में भी काफ़ी सारा काम हो रखा है यार। इसमें हमने देखो थोड़ा मिक्स एंड मैच करा है, कुछ ग्लॉस ब्लैक में, ग्लॉस रेड में करा है। ठीक है, कुछ ग्लॉस ब्लैक में करा है और कुछ रेड रेड मैट में भी करा है। ये देखो रेड मैट गिरा सामने, यार हर चीज हर जगह ग्लॉस अच्छा नहीं लगता हर जगह। हाँ सही बात है। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्लॉस कर दिया, मैट कर दिया, तो ऊपर एसी ब्लोर ग्लॉस थे। ठीक है, इसके हैंडल जो ग्रैब हैंडल हमने ग्लॉस करा है। ये देखो ग्लॉस पे दिखाओ, हमने कुछ ग्लॉस करा है। ये देखो ये ग्लॉस है,
ये ग्लॉस है, ये मैट है, मैट है। फिर ये ग्लॉस आ गया, मिक्सर मैच कर दिया ताकि कॉम्बिनेशन, मिक्स एंड मैच एंड कॉम्बिनेशन बना हुआ है भाई। ये लेदर तो नहीं है, ये सॉफ्ट कोटिंग, लेदराइट कोटिंग है, ठीक है। ये लेदराइट कोटिंग है जो कि हाथ में बिल्कुल फील नहीं हो रही, कि ऐसे लगी जी, मतलब ऐसा लग रहा है कंपनी ने बना के ये दी जी चीज दी हुई है। इसका चीजों को जो हमने पैनल है इसको भी हमने पूरा हाइड्रोडिप किया, ब्लैक में करा, ठीक। इस ये वाला पार्ट भी पूरा जी हमने ग्लॉस रेड में करा है, ठीक ठीक ठीक, हमारी सारी हो गई की हमने क्या काम किया इसमें। ऑडियो में हमने क्या काम किया, ऑडियो में सर्विस में स्पीकर एनहांस करें सर, ओके। स्पीकर कौन से डाले हमने, स्पीकर जेल ऑडियो का स्पीकर, मतलब वही ऊपर कंपोनेंट्स कोएक्सियल स्पीकर, सिंपल सेटअप, सिंपल बेसिक। कस्टमर कह रहा है मेरे को क्लैरिटी चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, मतलब ओनली क्लैरिटी, ज्यादा बुम बुम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मतलब गाड़ी के अंदर का म्यूजिक अच्छा चाहिए। हाँ जी, चलो ये भाई ये हो गई हमारी पूरी गाड़ी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दी है, कमेंट करके बताना है आपको गाड़ी कैसी लग रही है। बाकी अदरवाइज इसके एसी के ब्लोअर के पार्ट चेंज हो सकते हैं, है ना भैया, चेंज तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है थार के अंदर। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि थार के अंदर कुछ नहीं हो सकता, वो लोग वीडियो जरूर देख लो, बहुत कुछ हो सकता है थार के अंदर, है भैया। चलो तो ये थी हमारी थार की वीडियो जो आप लोगों ने पूरी देखी। अगर आपको अपनी गाड़ी में कुछ इस तरीके से काम करवाना है तो आपको आना है कार हेवन अशोक विहार, न्यू दिल्ली, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।